वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और CS 201 का क्विज नंबर 1 है आपका, जो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। ये आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेपर में हमेशा कंसेप्चुअल जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को पेपर के लिहाज से और अपने क्विज के लिहाज से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्विज आपका, पहला क्वेश्चन देखें। द रिजल्ट ऑफ 4 मॉडुलस 3 विल बी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ना इसको सॉल्व करना है। अब आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस कैटेगरी का आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको कैसे जो है वो सॉल्व करना है। मैं आपको तरीका और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए काम कैसे करना है आपने, यहाँ पे 4 मॉडुलस 3, इस मॉडुलस का मतलब होता है कि जो रिमाइंडर में वैल्यू बच गई है वो आपका जवाब है। अब देखो 4 यानी बड़ी वैल्यू को आपने क्या करना है, आपने अंदर रखना है, और छोटी वैल्यू को आपने बाहर रखना है। तो 3 वन्स आर 3, आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा ना वो इसका जवाब होगा, ठीक है। मॉडुलस का मतलब होता ही ये है कि जो रिमाइंडर में वैल्यू हमारे पास बची है वही इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे 1 बच गया, तो डेफिनेटली इसका 1 जवाब है, ठीक है। तो 4 मॉडुलस 3 विल बी इक्वल्स टू 1। ये आपके पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो है इसी कैटेगरी का रिपीट हुआ हुआ है। बेशक वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोग हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, उसके आगे देखें। अच्छा, मैं आपको साथ साथ एविडेंस आगे दिखाऊंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। अभी सिंपल एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसका एविडेंस जो है वो नहीं दिखा रहा। व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग करेक्टर अरे, आपने बताना है कि ये करेक्टर अरे का साइज क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्टर अरे का साइज होगा ना, वो आपने सिंपल बताना है। देखें 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 5 करेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे इसका 5 आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अरे होती तो 4 होना था, क्योंकि अरे जो होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 5 इसका राइट ऑप्शन है। मैं आपको इसका एविडेंस भी एक दफा दिखा देता हूँ। ओके, दिस वन देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ फॉलोइंग अरे, दिस और ये है 5 आपके पास, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। आपने बताना है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस रखता है। ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखें यहाँ पे हमने ना डिमास रूल के तहत काम करना होता है। तो डिमास रूल का मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देते हैं वो डिवाइड को देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ हैव द सेम हाईएस्ट प्रेसिडेंस, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है इसको प्रायोरिटी हासिल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। प्लस माइनस बोथ हैव द सेम हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये इनकी ये हाईएस्ट नहीं है। इस तरह से प्लस की भी हाईएस्ट नहीं है और माइनस की भी नहीं है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, प्लस एंड डिवाइड बोथ हैव द सेम हाईएस्ट प्रेसिडेंस, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो ये आपने बात को याद रखना है। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं है, सिंपल काम था, डिमास रूल हमने करना था, तो मैंने आपको उसका वैसे बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आपके पास जो है 4 लूप्स हैं। सबसे पहले नेस्टेड लूप क्या होती है, अगर एक लूप के अंदर दूसरी लूप है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। देखें 4 लूप के अंदर 4 लूप लगी हुई है, इसको नेस्टेड लूप का नाम हम देते हैं। तो देखो क्या है, अब दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब बोथ लूप्स रन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, चूंकि ये भी 5 है, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक चलेगी, 1 से स्टार्ट होगी तो 5 तक चलेगी। तो दोनों लूप्स जो हैं वो इक्वली हमारे पास वर्क करेंगी, और दोनों लूप्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है वो रन करेंगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ही आ जाएगा। उसके आगे व्हाई डू वी यूज सी इन, तो सी इन और सी आउट ये पेपर में मस्ट आपसे पूछे जाएंगे। सी इन क्या होते हैं और सी आउट क्या होते हैं। देखो सी इन जो होते हैं ना, ये इनपुट, आई एन इनपुट, यानी कि हम अपना डेटा एंटर करते हैं। तो टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, अगर हमें रीड करना है डेटा को कीबोर्ड से, तो हम वहाँ पे सी इन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें डिस्प्ले करवाना है, अगर हमने अपना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लेके आना है, तो हम वहाँ पे सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर सी आउट आपके क्विज में आता है ना, जो कि आएगा भी, तो आपने ये वाला करना है, टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और अगर सी इन आएगा तो आपने ये वाला करना है, टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। ये वाला नहीं आ सकता और ये वाला दोनों केसेस में नहीं आएगा। तो दोनों आपने ऑप्शंस जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। पेपर के लिए आसे भी इसको याद रखना है, पेपर में ये मस्त पूछे जाएंगे आप लोगों से। उसके आगे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपने बताना कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। ये वाला पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्विज के MCQs आते हैं ना, वो 100% चांस है कि आपके पेपर में रिपीट होते हैं। आप पास्ट पेपर उठा के देख लें, मेरी वीडियो उठा के देख लें, इसमें बहुत सारे आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो मेक श्योर आपने कॉन्सेप्ट को अपने अंडरस्टैंड करना होता है। देखो जे किसके बराबर है, 0 के।
अभी आप फिलहाल रखें जे जीरो के बराबर है, और यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो जे बराबर है किसके, आई प्लस प्लस के। आई की वैल्यू क्या है जी, आई की वैल्यू 5 है, तो 5, और ये जो प्लस प्लस होता है ना इसका मतलब होता है प्लस 1, ठीक है। तो देखें आई 5 प्लस 1, तो किसके बराबर आ गया ये 6 के बराबर। तो जे किसके बराबर हो गया, देखें जे बराबर हुआ 6 के, ठीक है। तो 6 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोबारा सुन लें, ये जो प्लस प्लस है ना इसका मतलब है वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दो। तो ये 5 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो ये इसका सारा प्रोसीजर है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये प्रोसीजर समझ आई होगी। दोबारा से क्वेश्चन आपका देखें रिपीट हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दोबारा कह रहा है y बराबर है 20 के और z बराबर है y प्लस प्लस के। तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ z आपने निकालनी है, क्या होगा z इक्वल्स टू y किसके बराबर था 20 के, ठीक है जी, और प्लस, और दूसरे प्लस का मतलब है 1। तो ये आपने याद रखना है कि प्लस प्लस इक्वल टू किसके बराबर है, प्लस 1 के। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, तो 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21। तो z की वैल्यू क्या आ गई जी, z की वैल्यू 21 आ गई। तो ये इसका 21 राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ओके। रिमाइंडर ऑपरेटर जिसको मॉडुलस भी कहा जाता है, ये किसकी एग्जांपल है, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन अर्थमेटिक में आता है। तो ये अर्थमेटिक है, ये आपका कंसेप्चुअल बेस है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। सिंपल इसका जवाब अर्थमेटिक है, और ये आपके पास्ट पेपर में भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेटर जो है मॉडुलस, सबसे पहले याद रख लें रिमाइंडर ऑपरेटर जो है होता कौन सा है, ये परसेंटेज वाला साइन, और ये क्या होता है, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं। तो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है, तो अर्थमेटिक इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखें जो मैं आपको बात पीछे समझा रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 वही बात आ गई कि ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एट द वेरिएबल, यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जो प्लस प्लस वेरिएबल है ना, यानी कि इस प्लस प्लस का मतलब है कि एक इंक्रीमेंट कर दो, और ये यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और इस माइनस माइनस का मतलब है कि एक डिक्रीमेंट कर दो, यानी कि माइनस कर दो। तो देखें यहाँ पे ये कितनी वैल्यू को, 1 वैल्यू को इंक्रीज भी करता है और 1 वैल्यू को डिक्रीज भी करता है। तो 1 इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखें जी, उसके आगे आपने सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म करना है, और ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। डेटा आपका ये डिमास रूल जो है वो लगेगा यहाँ पे, सिंपल मैं आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करके दिखा दूंगा। आपके सारे ज़रा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। देखो सबसे पहले वो कह रहा है 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए आपने पहले करना क्या, आपने पहले डिवीजन को अप्लाई करना है। तो 5 1s are 5 और 5 5s are 25। अब आपके पास जो बचा ना वो बच गया 5 प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखो 5 5s are 25, क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा ना, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और पीछे प्लस का 5, तो ये 25 प्लस 5, आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो 30 आपका इसका रिप्लाई है, इसका जवाब है। तो यही आपने क्वेश्चन करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्विज में भी आएंगे। मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करके बता दी हैं, सारी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस क्विज की जो है वो समझ आ गई होगी। मेक श्योर आप लोगों ने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर जो है वो मिल जाएगा, वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।